देखो चाचा सुबह सुबह शराब पी के सो गए, रात को माँ से फिर शराब के पैसे मांगेंगे। खैर अभी मैं चाचा कहता हूँ। नींद खुल गई ना तो मारेंगे। अरे मुझे जरा बड़ा हो लेने दे, फिर देखूंगा इस चाचा को। ए इधर उधर कहाँ जा रहा है? स्कूल। अरे नहीं, हम मेले चलेंगे। माँ ने मना किया है, पता चल गया तो मारेगी। अरे उधर मास्टर मेरी ढुकाई करेगा, पहाड़े तो मुझे याद ही नहीं है। मास्टर की ठुकाई से माँ की मार अच्छी, आवाज ज्यादा होती है और मार कम लगती है, समझे? चलो। अरे संतो मेले नहीं चलोगी? बापू के लिए रोटी ले जा रही हूँ। अच्छा तो फिर ये संभाल, शाम को ले लेंगे। और सुनो माँ से मत कहना कि हम मेले गए थे। नहीं कहूंगी। अच्छा चल रहे किसने। उसके भी तो अपने बाजू में बना है। चल सूरज बनाने के कितने पैसे? कन्नी पड़ जाए बाबू, जो तो लाल आंख कर रही हो ना, कन्नी और बढ़ जाइए। तो फिर सूरज बनाना, पहले इसके फिर मेरे, लेकिन आंख लाल बनाना। हाँ लाल, बिल्कुल लाल बैठो। नहीं नहीं भैया मुझे सुई लगेगी। अरे नहीं नहीं, अरे बेटा तन को तकलीफ नहीं हुई है। हाँ लाओ।
ले ओ। अरे इधर नहीं, इधर नहीं। हाँ, यहाँ। अरे तो बहुत बढ़िया हो गया। मेरा भी ऐसे ही बनाना है। सुंदर बनाए दो कि तबीयत खुश हो जाए। हाँ। ये लो। अरे वाह बबुआ, ये तो बहुत ढेर सब सही दिया भाई। तुम्हारी शराब को इतनी जोर का तूफान आया है, बच्चे अभी तक नहीं आए। नहीं आए तो सुबह आ जाएंगे। भगवान करे ये बिजली तुम पर गिरे। न जाने मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। किशन भी न जाने कहाँ खो गया।
तुम भी मुझे छोड़कर चली गई माँ, माँ, माँ। डॉक्टर साहब, अब तो ये ठीक हो गया ना? हाँ। सदमे की वजह से ये सब कुछ भूल चुका है, इसे अपना नाम पता कुछ भी याद नहीं। अब बेचारा कहाँ जाएगा? किसी यतीम खाने? और कहाँ? हाँ, तुम पुलिस में इत्तला कर दो, वो मुनासिब इंतजाम कर देंगे। जी बहुत अच्छा। नहीं, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा, मुझे पुलिस में नहीं भेजिए, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बच्चे, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें पुलिस में नहीं भेजेंगे। हाँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। चलो 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 चलो। औलाद नहीं थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और ये बच्चा मेरे घर भेज दिया। मैं समझा नहीं। दरअसल ये बच्चा मुझे शहर के चौराहे पर मिला, मैं इसे घर ले आई। अब इसका बाप भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ। मगर आप तो मुसलमान हैं और बच्चे का नाम कन्हैया रख दिया। ये बच्चा किसी हिंदू घर का है, इसके गले में किशन भगवान का एक लॉकेट है, इसीलिए मैंने इसका नाम कन्हैया रखा है। अच्छा है। खालू, होनी को कौन टाल सकता है बेटे, जो भगवान को मंजूर था वो हुआ, अब तुम कब तक भूखे रहोगे? खालू ना, तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है? मुझे भूख नहीं है। माँ को खा गया, भाई को खा गया, अब इस भेड़ियों को भूख कर देगी। चल देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा,
देखो रे हुआ, लहू से लहू कैसे जुदा, दोनों टुकड़े एक ही दिल के बिछड़े ऐसे के नहीं मिलते, देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें बदला लेना है तो पंचायत से लो, अपने चचा से लो। तुम लोग फिर कान खोल के सुन लो, अगर इस गांव में किसी ने इस कमीने को रोटी का टुकड़ा भी दिया तो उस कमबख्त की भी यही सजा होगी। मैं यहाँ हूँ बेटा, तेरे लिए दुआ मांग रही थी। माँ, तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। दिमाग ही नहीं चलता। माँ, मैंने ये सोचा है कि गांव में एक अच्छी सी जमीन ले लूं और वहाँ खेती बाड़ी करूं, उसमें हमारा भला और जनता का भी भला। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बेटा, मेरा बुढ़ापा भी सुख चैन से खुली हवा में गुजर जाएगा। यू आर ग्रेट राजा बेटा। कुछ ही दिनों में यहाँ से करीब एक गांव में हमारा कैंप लगने वाला है। हाँ। मैं जमीन देख कर ही आऊंगा। अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे। शाबाश, जोर से और जोर से। अब यार हुकुम ही चलाते रहोगे, तुम भी कुछ काम करो। अफसर लोग काम नहीं करते, सिर्फ रोप झाड़ते हैं। तुम लोग टेंट लगाओ, मैं गाँव का जोग्राफिया देख कर आता हूँ।
भाई साहब, ओ भाई साहब, कहिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। ये जमीन किसकी है? शनि देवता की। शनि देवता? हाँ, एक फुटा है। क्यों, आप ये जमीन खरीदेंगे? जी हाँ, लेकिन ये रहते कहाँ? अपने घर में रहते हैं। घर का इंतजार? गाँव में। लेकिन गाँव में किस जगह? गली के नुक्कड़ के पास, आप किसी से पूछ लेना, मैं जरा जल्दी में हूँ। हे भगवान, ये बलि का बकरा शहर से मरने के लिए यहाँ क्यों आ गया? शनि तुम्हारा पाप, तुम्हारा सारा खानदान, तुम्हारा बेड़ा गर्क, क्यों सुबह से इस बूढ़े गरीब के पीछे पड़ जाते हो? शनि चाचा, रोटी खाओगे? रोटी? रोटी ला बेटा, ला, यहाँ ला, भगवान तुझे सुखी रखे, तेरे माँ बाप खुश रहे। ला बेटा, पेट में आते भूख के मारे ऐसे। आओ आगे आके ले लो चाचा। अच्छा बेटा, अच्छा तू मुझे खाना दे, मैं तुझे दुआ दूंगा, तेरी उम्र बड़ी होगी बेटा, बुड्ढों से चटोली अच्छी नहीं। तुम्हारे सब क्या नाथ, तुम्हारे खानदान में किसी को रोटी नसीब ना हो, तुम्हारे जिस्म में कीड़े पड़े, तुम यतीम हो जाओ। नहीं, जमीन देखी, उसी सिलसिले में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, अगला बैठो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, बैठो। अजीब बात है, आपके पास अच्छी जमीन है, उपजाऊ है, पानी के लिए कुआं भी है, फिर आप उसमें खेती क्यों नहीं करते? क्या बताऊं बाबूजी, बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। जवानी थी तो अपने हाथों से मेहनत करने में बड़ा मजा आता था, अब तो सुबह शाम राम नाम जपता हूँ, खाने को दो रोटी मिल ही जाती। आप ये जमीन बेचना चाहेंगे? आप खरीदेंगे ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं, पहले भी कई ग्राहक आए, मैंने कहा खेती करो, मगर सौदा पक्का करने के बाद भी कोई लौट कर नहीं आया। जी मैं ऐसे ग्राहकों में से नहीं, अगर आप मुनासिब दामों पर बेचेंगे तो मैं जरूर खरीदूंगा। बाबूजी, भगवान ने शायद मेरी सुन ली, मैं भी कितने दिनों से सोच रहा था कि दुनियादारी के झंझटों से छुटकारा पाके एक गंगा जी चला जाऊं। तो फिर ठीक है, ठीक 10 दिन बाद जमीन के कागजात लेकर आप शहर आ जाइए, वहीं हर बात तय कर लेंगे। ये रहा मेरा पता। नमस्ते। अरे जोर से निचोड़, हाथों में दम नहीं है क्या? आजकल बिल्लो ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। लीजिए, आ गए आपके बंसीराम जी, आशिक हो तो ऐसा, बकरी पर भी अगर बिल्लो के कपड़े पहना तो बेचारा बिल्लो समझकर पीछे पीछे। अभी बताती हूँ, सवेरे सवेरे। आ हा 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 हा, बंसीलाल जी, यहाँ क्या कर रहे थे आप? मैं देवियों के दर्शन के लिए आया था। ओह, हो गए दर्शन? थोड़े बहुत हो गए, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे जल्दी, किस बात की है, थोड़ा प्रसाद खाते जाइए ना। मैं बिना नहाए धोए कुछ नहीं खाता। तो क्या हुआ,
आपकी धुलाई का भी प्रबंध हो गया है? वैसे साबुन लाई हो? जी हाँ, साबुन भी लाए हैं, तेल भी लाए हैं और लोटा भी लाए। ओह, मैं बाल्टी लाता हूँ। मेरी सखियो बोलो, गरम मुखड़ा तो खोलो। हाँ मेरी सखियो बोलो, गरम मुखड़ा तो खोलो। बतलाओ इस पागल को अब हम क्या सजा दें? मिलके इंसाफ कर दो, कर दो ना, मिलके इंसाफ कर दो। कहूँ मैं हाथ जोड़ के बस तुम में एक छोड़ के, हाँ कहूँ मैं हाथ जोड़ के बस तुम में एक छोड़ के। ओ मेरी माताओ, ओ मेरी बहनों, मुझको माफ कर दो, कर दो ना, मुझको माफ कर दो। सर है सर में दो आंखें, तो इसका सर सहला के और तबला बजा के। हाँ इसका सर सहला के और तबला बजा के। इसकी दोनों आंखों में सितारे नचा दे, इसकी दिन में रात कर दो, कर दो ना, इसकी दिन में रात कर दो। कहूँ मैं हाथ जोड़ के बस तुम में एक छोड़ के, हाँ कहूँ मैं हाथ जोड़ के बस तुम में एक छोड़ के। ओ मेरी माताओ, ओ मेरी बहनों, मुझको माफ कर दो, कर दो ना, मुझको माफ कर दो। गोरियों मारो ना मुझको, दुख जाएगी ये नाजुक कलाई। काम है घर में तुम्हारा चूल्हा जलाना, करना धुलाई। जरा देवियो इतना गुस्सा ना करो, रुको जरा देवियो इतना गुस्सा ना करो। कुछ तुमसे ना मांगूं, बस झुमके वाली को मेरे साथ कर दो, कर दो ना, मेरे साथ कर दो। मेरी सखियों बोलो, जरा मुखड़ा तो खोलो। हाँ मेरी सखियों बोलो, जरा मुखड़ा तो खोलो। बतलाओ इस पागल को अब हम क्या सजा, चप्पल वापस करो ना। दी हुई चीज को वापस मांगना अच्छी बात नहीं। मैं कहती हूँ मेरे चप्पल वापस दो। अगर ना दो तो? नहीं तो मैं दूसरे भी खींच के मारूंगी। तो मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा,
तो फिर अपने घर नंगे पाँव जाओगी? नंगे पैर जाना होगा, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, सारे गाँव वाले जानते हैं। हाँ। मेरा गुस्सा तुमने नहीं देखा? फिर ऐसी बदतमीजी करोगी तो एक खेल के झापड़ मारूंगा। क्या? झापड़ मारूंगा, झापड़। लाला जी, लाला जी। क्या है? जय राम जी की। जय राम जी की। उधार चुकाने आए हो या उधार मांगने आए हो? उधार चुका दूंगा भैया, मैं कौन सा गांव से भागा जा रहा हूँ। एक मिट्टी के तेल की बोतल दे दो। देखते नहीं हो मैं दुकान बंद कर रहा हूँ? आज जितनी खुली रह गई है उसमें से एक मिट्टी के तेल की बोतल आसानी से आ जाएगी। ये बनिए की दुकान है, तुम्हारे बाबा का धर्म खाता नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, चले आते हैं सौदा खरीदने। ऐसा जुलूम ना करो भैया, एक बात सुनो, घर में बिल्कुल अंधेरा है। अंधेरा है तो क्या हुआ, बीवी तो है, यहाँ तो वो भी नहीं है, जा फुटा जाते। अरे बिल्लो, हाय मैं मर गया, हाय हाय, इधर तो आओ, अरे आओ ना, आओ। क्या है? एक लाल सोडे की बोतल तो पीती जाओ। पैसे नहीं है। अरे दुकान तुम्हारी है, हम तुम्हारे हैं, पैसे कौन मांगता है? चल ला, पी लेती हूँ। ये बात हुई ना, हाय हाय, ये ले। जल्दी क्या है, आराम से पियो, सांस उखड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। अगर बाबा ने देख लिया तुझे कच्चा चबा जाएगा। ये तुम्हारा बाबा कब मरेगा? मरे तू, तेरा सारा खानदान, तेरा सत्यानाश मेरे बाबा को मारता है। हाय हाय रे जुलमिया, हाय हाय, ऐसी दो चार गालियां देने के लिए ही चली आया करो, मेरे लाल सोडे के भाव में बहुत सस्ती है। यार अपना कन्हैया कहाँ गया था देश के, अभी तक वापस नहीं आया। अरे वो कौन है? Think of a devil and there he is। अम्मा यार कन्हैया, ताकि जर करके आ रहे हो? गोपियों को दर्शन देने गया था, क्या रंगीन फिजा है यहाँ की। अरे क्यों गप भाग रहा हो यार, गन्ने के खेत और धूल के सिवा कुछ नहीं है इस गांव में। फिर तुमने नदी का किनारा नहीं देखा, क्या परियों का जमघट लगा रहता है। पंख फैलाकर जब वो पानी पर तैरती हैं तो ऐसा लगता है, हाय हाय क्या बयान करूं? देखने वाला डूब मरे उसी पानी में। you're right, my boy, you're right. यार हमें भी ले चलो, पिछले 10 दिनों से कोई अच्छी सूरत नजर नहीं आई। हाँ यार, ले तो जाऊंगा, लेकिन याद रखो, पकड़े जाओगे तो ऐसी शुद्ध पिटाई होगी कि शहर का रास्ता भूल जाओगे। अरे यार सुनो, कल यहाँ पास ही एक बहुत बड़ा मेला भरने वाला है, गाँव के बच्चे बच्चे की जबान पर उसी का चर्चा है। गाँव में तो मेले हर साल लगते हैं, इस मेले की ऐसी क्या खास बात है? इस मेले में हर साल एक खतरनाक डाकू आता है, उसे अपने भाई की तलाश है जो बचपन में खो गया था। पुलिस उस डाकू को आज तक नहीं पकड़ सकी। क्या वो कल भी आ रहा है? आ ही नहीं रहा है, बल्कि उसने ऐलान किया है कि इस बार वो देवी के चरणों में सवा सेर सोना चढ़ाएगा और पुलिस का एकदम टाइट बंदोबस्त है। हाउ वेरी एक्साइटिंग, वेरी थ्रिलिंग। We all must go. Yes. सरदार, सरदार, क्या है? मेले में पुलिस चीतियों की तरह फैली हुई, वर्दी में कम और सादा कपड़ों में ज्यादा, तुम सोना भेंट नहीं चढ़ा पाओगे। मुझे मंदिर में सोना जरूर चढ़ाना पड़ेगा सूचा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे काली मां ने सपने में दर्शन दिए हैं, मुझे मेले में मेरा भाई जरूर मिलेगा। लेकिन सरदार, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। भाई के मिलने के बाद कौन कम वक्त जिंदा रहना चाहता है। अरे अरे ये चप्पल वाली लाजो, हटो। क्या कहा? सुनाई नहीं देता, रास्ते में से हटो। मैं अंबाले का रहने वाला हूँ। मैंने तुम्हारा पता नहीं पूछा? मैं मेला देखने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से बाहर में जाओ, हटो यहाँ से। ये भांगड़ू मेम साहब क्या कह रही है? कह रही है तुम पे दिल आ गए। दिल आ गया? दिल आईने में कभी थोबड़ा देखा है? बहुत सुंदर है, शहर की सारी लड़कियाँ मरती हैं।
कुत्ते ने काट खाया होगा उन्हें। तुम्हारी शादी हो गई क्या? मैं अभी तक कुंवारा हूँ। कुंवारे हो या रण में हो, मुझे उससे क्या। आपके बच्चे कितने हैं? ओहो, कैसे बेशरम लोगों से पाला पड़ा है। कहाँ से आ गए ये ठीक? शहर से। रास्ता छोड़ो नहीं तो सर तोड़ दूंगी। ये चिड़िया क्या बोल रही है? बोल रही है थक गए हो, गाड़ी में बैठ जाओ। ओ, फिर देर किस बात की। तुम्हारा मस्तक के बहुत उज्ज्वल है रानी। लीजिए महाराज। इस माया को हम हाथ नहीं लगाते, इसे अपने कोमल हाथों से हमारी जेब में रख दो। हरिओम हरिओम, जो है सो है। महाराज मेरा हाथ देखिए। महाराज सबसे पहले ये बताइए कि आपकी दक्षिणा क्या होगी बच्चा? और एक ही बार बताइए। हाँ बच्चा, हम सुंदर बालिकाओं से दक्षिणा नहीं लेते मूर्ख। वाह 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 महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच सच बताइएगा। हाँ महाराज बताइए ना। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, मुखड़ा भी सुंदर, क्या सुंदर कलाई है। महाराज कलाई छोड़ दीजिए, हाथ देखिए। हाथ? अच्छा कन्या तुम अपना बायां हाथ दिखाओ। बच्चा कन्या मन की बहुत दयालु है, जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे निहाल कर देती है। मैं निहाल तो हो चुका हूँ, आप हाथ देखिए। महाराज आगे बताइए ना। जो है सो है, बच्चा गुणी प्राणियों से अधिक प्रेम करती है। महाराज इसका मतलब है कि मैं बहुत गुणी हूँ? जो है सो है। महाराज और बताइए ना। बच्चा मन की बहुत दयालु है, धन का सुख है, मन का सुख है, संतान का सुख है, राणी राज करेगी। महाराज बाल बच्चे कितने होंगे? बाल बच्चे? बच्चा छह होंगे, दो हो चुके हैं, पांच और होंगे, परंतु एक की मृत्यु हो जाएगी। वे मरे तो? दो हो चुके हैं? हाँ। और मुझे पता ही नहीं, क्यों मैं पंडित के बच्चे? अरे बिल्लो अंधा है, दिखाई नहीं देता, लड़की को धक्का मारता है। मेले में आई हो, धक्के पड़ेंगे ही। हाँ गलती मेरी है, साथ में कोई मर्द लाना चाहिए। वाह वाह वाह, बगल में बच्चा और शहर में डंडोरा। देवी जी कायदे से हम मर्द भी हैं और साथ भी हैं। अच्छा तो फिर देर किस बात की है, पकड़िए हाथ और दिखाइए मेला। चलिए। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? एक शर्त है। वो क्या? सिवाय अपने हाथ के किसी और का हाथ नहीं लगना चाहिए मुझे। मजाल है, हमारे होते हुए किसी की परछाई भी छू जाए तुम्हें। चलिए। मेरे सपने की रानी कब आएगी तू? आए रुक मत, आओ चरण में आओ, आओ हिंदुस्तान में पहली बार आओ, आओ आओ देखो भाइयों आओ। क्या हुआ? मुझे आग मारी। किसने? उसने। तभी तो साली के एक आंख चली गई, दूसरी मारेगा तो अंधा हो जाएगा। चलो। क्या हुआ? झूठी काटी। किसने? इसने। ओ, पिछले जन्म में काटी होगी, इसीलिए बेचारे का हाथ टूटा हुआ है। चलो यहाँ से। अब क्या हुआ? मेरी कलाई में मोच आ गई। मारे घुटना फूटे आंख, पांव में चोट लगी और कलाई में कैसे मोच आई? चलो। क्या हुआ बेटी? ये गुंडा मेरे पीछे पड़ा है, मुझे भगा के ले जाना चाहता है। अरे बाबू घर में मामा नहीं, छोड़ इस घर। ओ चाचा जी मेरी भी तो सुनो, मुझे इंसाफ चाहिए, ये मेरी बीवी है, अपनी सास से झगड़ा करके यहाँ चली। मैं और तेरी बीवी? मेरी नहीं तो क्या, उस हलवाई की। चल सीधी तरह ना ये औरतों पर हाथ नहीं उठाया। चाचा जी आप इसको समझाइए। बेटी ऐसा नहीं किया करते, शादी के बाद पति का घर ही औरत के लिए स्वर्ग होता है। चलो लाजो, मुन्ना घर में रो रहा है। क्या तेरा सत्यानाश? कैसा मुन्ना, किसका मुन्ना? देखा आपने, अभी कह रही थी मैं इसका पति नहीं हूँ, अब कह रही मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। आप ही सोचिए, कोई माँ अपने बच्चे से ऐसा मुंह फेर सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए। लाजो Thank you.
भोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह गोरी के हाथ में गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह छूने न दूंगी उंगली में बापू बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला हाथ में जैसे ये छल्ला ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह
राम के नाम दे दे बाबा। अरे फूल फूल हाँ बाबू जी 2 रुपए। जय भवानी जय महामाया हाँ कल्याण हो कल्याण हो कल्याण कल्याण जय महामाया सोना बीबी को सोना चढ़ गया। शक्ति सिंह राजा खबरदार जो हिलने की कोशिश की। शक्ति सिंह तुम बच के नहीं जा सकते अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी कुछ हो जाता तो तो तुम देवी के चरणों में प्रसाद चढ़ाकर कहती अच्छा हुआ एक लफंगे से पीछा छूटा। ठीक ऐसा नहीं कहते। तो फिर क्या कहते? मैं तो देवी से आज कुछ और मांगूंगी। क्या मांगूंगी? नहीं बताती। से हाथ धो बैठोगे। अजीब बात है, आज मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा 2 बार सहारा लेना पड़ा। मेरा नाम शक्ति सिंह है,
मैंने जिंदगी में किसी का एहसान नहीं रखा। कभी अगर वक्त आया इसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। ठहरो, तुम्हें शायद गोली लगी है। गोली लग के निकल गई, सिर्फ घाव बाकी है। खून बहुत बह रहा है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पट्टी बांध दूं। मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है। लो बांधो, एक एहसान और सही। इंसान इंसान के काम आता है, इसको एहसान नहीं कहते। वैसे तो तुम बुरे आदमी नहीं मालूम होते, क्या ये खून खराबा तुम बंद नहीं कर सकते? हरगिज नहीं, मैं डाकू अपनी मर्जी से नहीं बना। इस गांव के पंचों ने मिलके मुझे डाकू बनाया है। जो जो जुल्म मुझ पे किए हैं, जब मुझे उनकी याद आती है तो सीने में नफरत की आग दहकने लगती है, फिर इंतकाम का धुआं उठता है। उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। जानते हो नफरत की आग तुम्हें किस तरफ घसीट रही है? मौत के दाहने की तरफ। मेरा नाम तो तुम जान ही गए हो, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। कन्हैया। बैठो। ये लो पकड़ो। कैसा उजाला को हाथ नहीं पहचाने, कैसा उजाला है ये न जाने, हाथ को हाथ नहीं पहचाने। अचरज है कितना, देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। तुम आ गए? चलो, बापू ठीक ही कहते थे। क्या कहते थे? यही, लाजो इकलौती बेटी है, जब कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसे घर जवाई बना ले। शाबाश, घर जवाई बनाने के लिए सिर्फ मैं ही रह गया हूँ क्या? यहाँ 10-5 कोस में तेरे बाबा को कोई दूसरा लड़का नहीं मिला? लड़के तो बहुत मिले, लेकिन अपनी ही नजर पर कोई नहीं चढ़ा। चलो मेरे घर, तुम्हें बापू से मिला। मैं तेरे घर जाने के लिए नहीं आया, मैं अपने घर जा रहा हूँ शहर। अपने बाबा से कह दूसरा लड़का ढूंढ ले। लड़का तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? सारी जिंदगी कुंवारे ही बैठे रहोगे। अच्छा, मेरे लिए सिर्फ तू ही रह गई क्या? अरे शहर में आगे लड़की, पीछे लड़की, बाएं लड़की, दाएं लड़की, एक इशारा करूं तो कदमों में बिज जाए। अरे तो गांव में भी आगे लड़के, पीछे लड़के, दाएं लड़के, बाएं लड़के, जरा सी आंख झपक दो तो अपनी जान मेरे कदमों में बिछा दे। अच्छा मैं चला, मेरी याद में टसवे ना बहाना। अरे तो जाओ जाओ, रोकता कौन है? उल्टे पैर वापस ना आए तो मेरा नाम बिल्ला जो नहीं। ये बात है, ठीक है।
जाना जा जा बाबू क्या सोच रहा रे हाँ क्या सोच रहा रे जाना जा जाना ले जा मेरा प्यार तेरे काम आएगा क्या सोच रहा लाइए अंगूठा ये नहीं वो गिन लीजिए ये बेटा तुमने गिने मैंने गिने एक ही बात है एक छोटी सी अरज और है बोलिए मैं तो यहाँ से सीधा गंगा जी जा रहा हूँ तुम लोग गांव जाओगे तो रहने के लिए मकान की जरूरत भी तो पड़ेगी बात तो सही है जरूरत तो पड़ेगी बेटा तो फिर मेरा मकान किस लिए है ये रही उसकी चाबी और ये कागज वकील साहब चार लाइनें मकान के लिए भी लिख लें जो 500,000 देना है दे दें दान पुण्य के काम में मेरा हाथ खुला रहेगा ठीक है दे दो बेटा हजार भगवान तुम्हें सुखी रखे मैं गंगा जी पहुंचकर माँ बेटे दोनों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगूंगा क्या खाओगे खाना क्या लाओ चाउ पाए
मटर फ्राई, भैया फ्राई, चिकन कोरमा, चिकन मलाई, चिकन मसाला, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बैदा बिरयानी, मूंग का दाल, मसूर का दाल, उड़द का दाल, बैंगन भरता, बैंगन मसाला, आलू बैंगन, आलू गोभी, भिंडी, प्याज करेला, तंदूर की रोटी, तवे की रोटी, बर्तानिया ब्रेड, मॉडर्न ब्रेड, पाव बेकरी, लस्सी खारा, लस्सी फीका, लस्सी मीठा और सादा पानी। चिकन मलाई, चिकन मसाला, चिकन कोरमा, मटन, भेजा, राइस, रोटी, पाव, ब्रेड, गाजर का हलवा, सब लाओ, सब लाओ, सब। मिला पास, मिला पास। बच्चा, ये लो। ये आधा माल तैयार हुआ, ये खाओ, मैं और लेके आता हूँ। ये लो, ये पानी सब चीजें का नाम बताओ। चाचा गांव छोड़कर भाग गया। चाचा गांव छोड़कर भाग सकता है, मुझसे भागकर कहां जाएगा? लेकिन सरदार, उसने अपनी जमीन और मकान एक शहरी बाबू के हाथ बेच दिया है और वो लोग गांव में रहने के लिए आ गए, और कल वो बाबू खेत में हल डालेगा। सरदार, वो हल नहीं डालेगा। भगवान की मूर्ति को नहला धुला कर फिर उसी जगह रख देना। यही तो कर रहा हूँ मां। मेरा राजा बेटा गजब हो गया, कभी देखा ना सुना, लड़के का नाम हिंदू और माँ मुसलमान, लड़का भी मुसलमान ही होगा, दुनिया की आंखों में मिट्टी डालने के लिए
नाम हिंदू रख लिया। अरे बहन, इस घर से दूर ही रहना। दो चार दिन में लड़का खेत में हल डालेगा, शक्ति सिंह के हाथों मारा जाएगा और बुढ़िया रो पीट कर शहर वापस चली जाएगी। तुम ठीक ही कहती हो बहन। नमस्ते, नमस्ते। आज जल्दी में तो नहीं हो ना? ओ, नहीं, 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 नहीं। अच्छा, मेरा नाम कन्हैया है, हम इस गांव में रहने आए। मुबारक हो, मुबारक हो। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? ये चीजें घर पहुँचा देना और हर पहली तारीख को हिसाब कर लेना। बाबूजी, सामान तो पहुँच जाएगा, लेकिन पैसे आज नकद होंगे या कल हिसाब होगा? वो क्यों, आज और कल में क्या फर्क है? बाबूजी, जमीन आसमान का फर्क है। इस गांव का ये असूल है, उन खेतों में जो भी हल डालने आता है, पहले दिन यहाँ कोई भी उसके साथ हिसाब किताब नहीं करता और दूसरे दिन उसे किसी के साथ ही हिसाब नहीं करना पड़ता। अच्छी बात है भाई, सामान घर पहुँचा देना और नकद पैसे वहीं से ले लेना। अच्छा। सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं है। लाजो, ए लाजो, क्या है रे? कन्हैया अपनी माँ के साथ गांव में आ गया है। सच? ऐसे आने से तो अच्छा है वो ना आता। आग लगे तेरी मम्मी, शक्ल बुरी है, बात तो अच्छी कर। अरे सुनेगी तो कलेजा फट जाएगा। वो शनि चाचा के घर में आया है। वो बुढ़ा माँ बेटे को जमीन ज्यादा बेच कर गंगा जी भाग गया है। अब बोल। नहीं नहीं, मैं अपने कन्हैया को उस मनहूस जमीन में हल नहीं चलाने दूंगी। क्या बात है बेटा, सोए नहीं? नहीं नहीं यार, कुछ अजीब सा लग रहा है। नई जगह है ना, ऐसा होता है। राम नाम जपो, अपने आप नींद आ जाएगी। चल सो जा। क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर आओ। तुम रो क्यों रही हो? कुछ कहो तो सही। वो जमीन और मकान लेने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। इसमें पूछने की क्या बात है? बूढ़ा जमीन बेच रहा था, मैंने खरीद ली। मगर वो जमीन और मकान शक्ति सिंह की है। शक्ति सिंह, वो डाकू? हाँ, उस जमीन के लिए 5 खून हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई हल नहीं डाल सका। अच्छा लाजो, एक बात बताओ, शक्ति सिंह डाकू कैसे बना? ये एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं सुनना चाहूंगा। ये कहानी मेले से शुरू होती है। आज से 20 बरस पहले मेले में तूफान आ जाने की वजह से शक्ति का छोटा भाई उससे बिछड़ गया। माँ बच्चों को ढूंढते ढूंढते पेड़ के नीचे दबकर मर गई। चाचा ने शक्ति पर बहुत जुल्म ढाए। सरपंच की मदद से उसकी जमीन जायदाद सब हड़प कर ली। ये जमीन ये जायदाद मेरे बाप ने बनवाई थी, इसमें मेरे और मेरे छोटे भाई के सिवा किसी का हक नहीं है। इस बात से किसी
से इनकार है शक्ति सिंह, लेकिन ये जमीन और जायदाद तुम अपने चाचा के हाथ बेच चुके हो। और ये रहे वो कागजात जिस पे लाला गोहे के साथ साथ तुम्हारे दस्तखत भी हैं। ये दस्तखत तो चाचा ने मुझे नए कुएं के खुदाई के करने के लिए करवाए थे। अरे छी 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 छी, काहे को झूठ बोल रहा है शक्ति? अरे 10,000 रुपया पी के अब क्या जमीन भी हड़प कर लेना चाहता है? 10,000? तुम झूठ बोल रहे हो चाचा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़ी पंचायत के सामने तुम्हें मेरा हाथ उठ जाए। अरे चोरी उसमें सीना चोरी, अरे मैंने नोट तो अपने हाथों से गिन के दिए थे शक्ति सिंह। ये सब तुम लोगों की मेरी बखत है ठाकुर, मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों के साथ सुधर रहे हो। ठाकुर की नजर संतो पे थी, जिससे शक्ति प्यार करता था। ठाकुर ने संतो को हासिल करने के लिए उस धमकी का फायदा उठाया और रात को बनिए का खून करके इल्जाम शक्ति पर डाल दिया। कौन कर सकता है ये? तुम लोगों को किस पर शक? शक्ति सिंह के सिवा और कौन हो सकता है साहब? उसने भी पंचायत में लाला को मारने की धमकी दी थी। शक्ति, शक्ति बेटे तूने ये क्या किया? अरे इससे अच्छा था तू अपने चाचा की जान ले लेता। शक्ति ये तूने क्या किया बेटे? माँ, जयराम जी, जयराम जी, आपसे कुछ काम है, जरा बाहर आइए। मुझे सरदार ने भेजा है, उसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर खेत में हल चलाओगे तो गोली से उड़ा दिए जाओगे, समझे? कौन था बेटा? कोई नहीं मैम, एक पड़ोसी था। आज मैं हल डालने जा रहा हूँ ना, तो बधाई देने आया था। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे बेटा, तेरी जिंदगी की हर मुराद पूरी करे। ये दे, दे दे। एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को चूम के, रास्ता तेरा है मंजिल तेरी है। एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को चूम के, रास्ता तेरा है मंजिल तेरी है। एक बार रख दे कदम जरा झूम के। कितना जवां है, कितना हसी है ये उजाला, गलियां कब से पुकारे आए तो कोई दिल वाला। राही राही ये दिन है
है कैसा मतवाला, एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को झूम के, रास्ता तेरा है मंजिल तेरी है। हिम्मत वाले चला चल नीले अंबर के साए साए, कब से तुझको निहारे धरती चुनरिया बिछाए, यूं चल दुनिया पीछे पीछे आए, एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को चूम के, रास्ता तेरा है मंजिल तेरी है, एक बार रख दे कदम जरा झूम के। शायद नहीं जानते इस खेत में हल डालने की सजा मौत है, ये ट्रैक्टर इस खेत से बाहर निकालो। शक्ति सिंह, अब ये खेत मेरे, मैंने ये जमीन कीमत देकर खरीदी है। कीमत? तुम जानते हो इस जमीन की कीमत क्या है? जमीन की कीमत है खून, लहू। ये जमीन सिर्फ जान देके खरीदी जा सकती है। तुम्हारे मुझ पर एहसान है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी इसकी वही कीमत चुकानी पड़े। नफरत के जहर ने तुम्हें अंधा कर दिया है शक्ति सिंह। जमीन की कीमत इंसान का लहू नहीं बल्कि उसकी मेहनत का पसीना होती है। जिस धरती पर अभी तक इंसान का लहू बहताया है, आज मैं इसे अपने पसीने से सींचना चाहता हूं। इन खेतों से इंतकाम और नफरत के बीज निकालकर इनकी गोदों को हरी भरी फसलों से भर देना चाहता हूं। बंद करो ये बकवास। जिस खेत पे मैं नहीं हल चला सका, उस खेत पर मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं हल चलाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब भी वक्त है कन्हैया, इस खेत से निकल जाओ। अपने एक घाव भरने के लिए सैकड़ों सीने छली ना करो शक्ति सिंह। तुम मुझे अपना भाई समझ लो, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे तुम्हारे रूप में एक बड़ा भाई मिल जाएगा और तुम्हें मुझमें अपना छोटा भाई मिल जाएगा। सिर्फ बातों से खून के रिश्ते नहीं बना करते कन्हैया। और ना ही इंसानियत के रिश्ते किसी बंदूक या तलवार से टूटते हैं शक्ति सिंह। इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा है। बचपन में तुम्हारा भाई गुम हो गया, धोखे से तुम्हारी जमीन छीनी गई, तुम्हारे साथ और बहुत कुछ अन्याय हुए। उसका बदला चुकाने के लिए तुमने अपने हाथ में बंदूक थाम ली, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके घर तुमने बिना किसी कारण उजाड़ दिए? अगर उन लोगों में से हर आदमी तुम्हारी तरह अपना बदला चुकाने के लिए अपने हाथ में बंदूक थाम ले तो इस दुनिया का क्या होगा शक्ति सिंह? यह दुनिया मैंने नहीं बनाई, मरने के बाद भगवान से जाकर पूछना। मैं तुम्हें उतना ही वक्त दे रहा हूं जितना वक्त तुमने मेरे जख्म पर पट्टी बांधने के लिए लिया था। इस खेत से फौरन निकल जाओ। मैं इस खेत से ट्रैक्टर नहीं निकालूंगा। तुम्हें मौत आवाज दे रही है। मौत का डर तुम्हें होगा शक्ति सिंह, मुझे नहीं। मैंने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया। चलाओ गोली। Thank you.
ये जमीन मेरी। मैं से अपने खून से सींचूंगा, मैं खुद से चलाऊंगा। सरदार किसी किस्म का फिक्र ना करो, अब बच गए तुम। रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे उधर से को झूम के, रास्ता तेरा है मंजिल तेरी है, एक बार रख दे कदम जरा झूम के। बेटी के पीछे पड़े रहते, न जाने कहां कहां से क्या क्या सुनकर आ जाते। अरे भगवान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सारे गांव के सामने सबसे आगे बढ़कर तुम्हारी दादली नहीं उस शहरी बाबू को दुपट्टा बांधा था। तो क्या हुआ, आसमान टूट पड़ा, गोली लगी थी, बेचारे को बांध दी होगी पट्टी। अरे मूर्ख, कुछ अकल से काम ले, आखिर लड़की की जात है, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो सारा गाँव थू थू करेगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तू अपनी लड़की को समझा। बंसी, ए बंसी। अरे बिल्लू, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। अब मैं अंदर नहीं आ सकती बंसी, मेरी यही जगह है। पागल हो गई हो, तुम्हारी जगह तो घर में, मेरे दिल में। बंसी बिल्लू। अरे हम दोनों क्यों रो रहे हैं? मेरा तेरा मिलन नहीं हो सकता बंसी। क्यों? मेरे बाबा दूसरे गांव में लड़का ढूंढने के लिए गए हैं। मेरे पास इस प्रेम को जिंदा रखने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है, जल्दी बोलो। उसे राखी बनवा ले बंसी। तेरा सत्यानाश। क्या करूं, मजबूरी है, सोचा पति के रूप में नहीं पा सकती तो भाई के रूप में ही पालू। अच्छा जी, एक बनिया पंडित आइन का भाई बन सकता है लेकिन उसका पति नहीं बन सकता, ये कहां का ढोंग है। इससे तो अच्छा है कि हम दोनों गंदी नाली में कूद के जान दे दें, ताकि आशिकों की लिस्ट में हमारा नाम तो आ जाए, जैसे कि हीर रांझा, लैला मजनू, बिल्लो बंसी। इतनी छोटी उम्र में कैसे मर जाऊं बंसी, अभी दुनिया में मैंने देखा ही क्या है। तुम्हें दुनिया में रहने का रास्ता मैं बताता हूँ, उस बुड्ढे को ऐसा धोबी पटका मारूंगा कि सारी पंडिताई भूल जाएगा। सुनो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी। अरे अगर शर्म के मारे किसी को मरना होता तो सबसे पहले मैं ही मर जाता। अगर मुझसे शादी करनी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, समझी? समझ गई। इसको फेंको। जो
लाजो कहाँ जा रही है? वो बिल्लू के कपड़े देने। ला मुझे, मैं पहुंचा दूं। नहीं माँ, बिल्लू ने कहा था कि मैं सब समझती हूँ। रास्ते में कन्हैया के घर, गांव के बच्चे बच्चे की जबान पर तेरा और कन्हैया के नाम, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दुनिया का मुंह भी ना दिखा सके। मेरे आरे
मेरे बेटे के साथ ही यह अन्याय क्यों हो रहा है? हमें गांव से निकालने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसलिए कि वो खेत मेरे बेटे ने जोत लिए, जहां कोई आज तक हल न डाल सका। उस डाकू के आगे मेरा बेटा सीना तान कर खड़ा हो गया, जिसके नाम से सारे गांव की रूह कांपती है। नहीं, तुम्हारे बेटे ने गांव की इज्जत से खेलने की कोशिश की। उसने चौधरी की लड़की को अपने जाल में फंसा है। ये इल्जाम गलत है। मेरा कन्हैया लाजो से शादी करना चाहता है, और शादी करना कोई गुनाह नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, जबकि लड़का दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो। तुम एक मुसलमान औरत हो, तुम अपने बच्चे का हिंदू नाम रखकर दुनिया को धोखा देना चाहती हो। तुम दोनों मिलकर हम लोगों का धर्म ब्रेक करना चाहती हो। ये गलत है चौधरी, एकदम गलत। मैं मुसलमान औरत जरूर, लेकिन मेरा कन्हैया मुसलमान नहीं है। मैंने इसे अपने जिगर के टुकड़े की तरह पाला है, लेकिन इसका मजहब नहीं बदला। ये बच्चा आज से 20 साल पहले मुझे शहर के चौराहे पर मिला था। मैं एक बेवा औरत, मैं इसे अपने साथ लिया और अपने हाथों से खिला पिला कर पाल पोस कर इसे बड़ा किया, और फिर कहती हो कि इसका धर्म नहीं बदला। मैं पूछता हूं, 20 साल मुसलमान के घर में पलने के बाद ये लड़का हिंदू किस तरफ से रह गया? मजहब कोई ऐसी चीज नहीं है चौधरी, जो हाथ लगाने से बदल जाए। मजहब तो इंसान को प्यार सिखाता है, और वही प्यार मैंने इस बच्चे को दिया है। किसी माँ का कलेजा फाड़ कर देखो, माँ माँ ही होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर ये बच्चा बेसहारा कहीं भटकता फिरता तो आज इसका क्या होता? मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा आदमी बनाया, तो क्या गुनाह किया? अगर तुम्हारे समाज की नजरों में ये गुनाह है तो उसकी सजा मुझे दीजिए। मेरे बच्चे पर जुल्म ना कीजिए चौधरी, मेरे बच्चे पर जुल्म ना कीजिए। जब तक तुम्हारा इस लड़के के सर पर साया है, हमारी बिरादरी में इसके लिए कोई जगह नहीं। अगर तुम इसका भला चाहती हो तो शहर वापस चली जाओ। अगर मेरे बेटे की इसी में भलाई है चौधरी, तो मैं शहर वापस चली जाती हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की खुशियां उससे मत छीनो। चौधरी, मैं अपनी ममता का दामन तुम्हारे आगे पसारती हूँ। चौधरी, ये क्या कर रही हूँ मैं? किन लोगों के आगे हाथ फैला रही हो? यहाँ कोई आदमी नहीं है, ये सब सदियों पुरानी जंग खाई हुई बूढ़ी खोपड़ियां हैं। ये लोग वो जल्लाद हैं जो सदियों से धर्म और समाज के नाम पर कुन छुरियों से मासूम दिलों को काटते चले आए हैं। इनसे दया की भीख मत मांगना, चल मेरे साथ। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा ना कहो। बेटा, मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है तुम्हारी खुशी के लिए किया। बेटा, तुम यहाँ रहो, खुश रहो, शादी करो, फलो फूलो बस। हार मैं जिंदगी में अल्लाह से क्या मांग सकती है मेरे बच्चे? अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो जिंदगी में मुझे कभी नहीं देखोगी। मैं इन लोगों की जहालत के लिए तुम्हारी ममता की बलि नहीं चढ़ाऊंगा मां। मैं इतनी मोहब्बत के लिए अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। चल मां, मेरे साथ चल। कन्हैया, कन्हैया। चौधरी, अब भला इसी में है कि लाजो के हाथ जल्दी से पीले कर दो। लाजो के हाथ पीले नहीं, तुम सब लोग अपने मुंह काले कर लो। चौधरी, इससे तो अच्छा है कि तुम अपनी लड़की को किसी कुएं में धक्का दे दो। चुप रहो बंसी। बंसीलाल की बंसी आज बच के रहेगी। कन्हैया की मां मुसलमान और तुम्हारी लड़की हिंदू, ठीक है, बात दूर की है, मगर मैं हिंदू, बिल्लो हिंदू, फिर भी आप लोगों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि मैं बनिया और बिल्लो पंडित लाना था तुम पर। बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ चौधरी साहब, बल्कि तुम लोगों के भेजे में अकल डाल रहा हूँ। ये धर्म कर्म के नाम पर कब तक तुम लोग धांधली मचाते रहोगे? वो मेरे मोहल्ले में पंडित रामदीन की कुतिया है और मौलवी इमामुद्दीन का कुत्ता है। पंडित और मौलवी दोनों मिलकर उनको दूध पिलाते हैं। कल उस कुतिया ने बच्चे दिए हैं, वो बच्चे हिंदू हैं या मुसलमान? बोलिए चौधरी साहब। पागल हो गया है पागल, लगाओ जूते इसको और निकाल दो पंचायत से बाहर। अरे तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं खुद चला जाता हूँ। बड़े आए जूते लगाने वाले, देख लूंगा तुम लोगों को सबको। बेटी,
बाबा तुम आगे? बिल्लो बेटी क्या लड़का देखकर आया हूँ, दुर्गा मठ का महंत है, क्या चढ़ावे चढ़ते हैं। बस बेटी अब जरा जल्दी जल्दी रोटी खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है भगवान का। बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, रोटी रसोई में पड़ी है, खुद ही खा लो। क्या हुआ तेरी तबीयत को बेटा, हकीम साहब के पास जाना था? बाबा इस रोग में हकीम साहब कुछ नहीं कर सकते। अरे पगली, हकीम हरकिशन लाल की धूम तो शहर तक मची हुई है, भला कौन सा रोग है जिसका इलाज उनके पास नहीं। बाबा तुम नाना बनने वाले हो? क्या बकती है तू, कब हुआ तेरा ब्याह? बाबा दो विवाह हो चुके हैं, तीसरा होना बाकी है। दो हो चुके हैं, तीसरा होना बाकी है, कहीं पागल तो नहीं हो गई तू? अरे मैं तेरा बाप हूँ और मुझे ही खबर नहीं कि तेरा ब्याह कब हुआ। बाबा पहले प्रेम विवाह उस दिन हुआ था जिस दिन बंसी को मैंने पति माना था, दूसरा गंधर्व विवाह उस दिन हुआ था जिस दिन बंसी को मैंने तल से पति माना। जोशी जी कहते थे तेरा तीसरा ब्याह तब होगा जब तेरा बाबा कन्यादान करेगा। बाबा कब होगा मेरा तीसरा ब्याह? उस बंदर से कभी नहीं। बाबा अगर तुम संख्या खा लोगे तो हमारा बच्चा नाना किसे कहेगा? अरे तेरा बेड़ा गर्क हो कमबख्त, तूने तो मेरी इज्जत का नीलाम चौराहे पर कर दिया, ढूंढ मर कहीं बेशरम। बाबा अभी घर का धुआं तो घड़ी में है, इज्जत तो उस दिन नीलाम होगी जिस दिन बंसी शादी से इनकार कर देगा। अरे बंसी तो क्या, उसका बाप भी शादी करेगा, मैं उस बनिए के गले में रस्सा डाल कर ही रहूंगा। बाबा जरा नरमी से काम लेना, वो पहले ही तुम पर जला हुआ है। अरे ठीक है ठीक है। कौन है बे? ओहो कहिए देवता स्वरूप ब्राह्मण महाराज, आज इस वैश्य पर कैसे आपने कृपा दृष्टि की, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरे मुन्ना अब सेवा तो मुझे ही करनी होगी, और फिर चंद दिनों बाद इस घर का पानी भी तो मुझ पर हराम हो जाएगा। बेटा बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने इस बालक को बेटा कहा? बुजुर्ग कह गए हैं वक्त पर गधे को भी बाप कहो, कहो तो मैं तुम्हें बाप कह दूं। जो जी चाहे कहो, लेकिन साफ साफ कहो क्या चाहिए, मैं उधार नहीं दूंगा, तुम्हारी बेटी ने उधार ले लेके मेरी दुकान का दिवाला पीट दिया। वही कर्जा चुकाने तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों मेरे साथ पुश्तों को नरक में धकेल रहे हैं, ब्राह्मण को दिया हुआ कर्ज मैं दान समझता हूँ? अरे भाई पंडित तो सारी दुनिया से दान लेता है, लेकिन उसको भी तो कन्या दान करना पड़ता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कोई योग्य वर देखा आपने? जो मेरी बिल्लो की पसंद वही मेरी पसंद, और फिर मैं अपनी बिल्लो की खुशियों में आड़े थोड़ा ही आना चाहता हूँ। लड़का तो आपकी जात का ही होगा? बेटा प्रेम की भी कोई जात पात होती है। जब कलेजा लगा फटने तो खैरात लगी बटने। अरे मुन्ना मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बेटा, आओ कलेजे से लग जाओ। पिताजी, ओ पिताजी, पिताजी। बेटा तू गले से लग के मेरे दिल में ठंडक पैदा कर। मुबारक हो सरदार, शहरी बाबू के खेतों की फसलें पक चुकी हैं और लाजो की शादी भी अब तय हो चुकी। इधर मैं भी ठीक हो गया हूं, अब गांव वालों को वो सबक दूंगा कि मेरे मरने के बाद भी उन खेतों में कोई हल डालने की कोशिश नहीं करेगा। Yeah!
बनिया को बुलाइए। शक्ति सिंह, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मेरी बेटी की शादी में विघ्न मत डालो। शादी नहीं, इस घर की बर्बादी कहो। चौधरी, तुम लोगों ने मिलके मेरे सीने पे जो पत्थर कूटे हैं, आज मैं उनका हिसाब चुकाने निकला हूं। मैं इस गांव को शमशान बना के रख दूंगा। आज के बाद इस गांव में कोई खुशी नहीं मनाएगा। नहीं नहीं शक्ति सिंह, इतना जुल्म ना करो। लाजो तुम्हारी बहन के बराबर है। संतो, क्या किसी की बहन बेटी नहीं थी? बोलो, नहीं थी? थी, लेकिन मेरी बेटी पे दया करो। बहादुर सिंह, ले जाओ इस बूढ़े को। जलील कमीने, तूने मेरे पापा पर हाथ उठाया, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। कमीने कुत्ते, तूने शक्ति सिंह का हाथ उठाया। छोड़ मुझे। नहीं शक्ति, नहीं लाजो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? बाबूजी, क्या हुआ? शक्ति सिंह लाजो को उठा के ले गया। ख्याल रखना। नवेली दुल्हनिया, सुहाग का जोड़ा। तुम मुझे यहाँ किस लिए उठा लाए हो? ये मेरी प्रतिज्ञा है, डरो नहीं। मैंने आज तक किसी लड़की की इज्जत पे हाथ नहीं डाला, लेकिन जो सिंदूर मैं संतों की मांग में नहीं भर सका,
वो सिंदूर किसी पंच की लड़की की मांग में नहीं भरा जाएगा। उतार दो ये सेवर, जला डालो ये सुहाग का जोड़ा। मैं कहता हूं जला डालो ये सुहाग का जोड़ा। खबरदार शक्ति सिंह, मैं अभी तक जिंदा हूं। किस्मत हमेशा इंसान का साथ नहीं देती। आज शिकार खुद ही शेर की मांद में चला आया। उस दिन तुम बच गए थे, लेकिन आज आज यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ होती है, तुम जैसे नीच इंसान के नहीं। मैं आज तक यही समझता आया कि हर बुरे इंसान को प्यार और मोहब्बत से अच्छाई के रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन नहीं, तुम जैसे आदमी से तो आदमी का ना होना बेहतर है। अगर सिर्फ किसी के चाह लेने से मौत आ जाती हो तो शक्ति सिंह कभी का मर चुका होता बाबू। मुझ पे हाथ डालने के लिए फौलाद का सीना और शेर का दिल चाहिए। यहां अकेले आने से अच्छा था कि सारे गांव को साथ ले आते। जो लोग इज्जत से जीना जानते हैं वो मौत से नहीं डरते। तुमने मेरे घर मेरे खेतों में आग लगाई, तुमने मेरी मां को जिंदा जलाने की कोशिश की, यहां तक कि उस लड़की को ब्याह के मंडप से उठा लाए जिसे मैं प्यार करता हूं। और तुमने क्या किया? मेरी वो प्रतिज्ञा भंग की जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। तुमने मेरे समझाने और रोकने के बावजूद मेरे खेतों में हल डाला। मैंने वही किया जो किसी भी आदमी को अपना हक पाने के लिए करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरा प्यार मेरी शराफत का बदला गोली से चुकाया। आज मैं तुम्हारे अत्याचारों को तुम्हारे खून में डुबो दूंगा। और जब तक तुम जिंदा रहोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें वो कुत्ते की मौत मारूंगा जो जमानत दुहाई बोल जाए। वाह वाह रे फौलादी शेर, एक नित्य आदमी को घेरने के लिए 10 आदमियों की जरूरत है। तुम सिर्फ डाकू ही नहीं बल्कि एक पुस्तिल और कायर इंसान भी हो। अगर हिम्मत है तो अकेले सामना करो। छोड़ दो, मैं निहत्ता फिर ना कहना कि शक्ति सिंह पर हाथ उठाने की हसरत दिल ही में रह गई। कर लो वार। मैं भी निहत्ते आदमी पर वार नहीं करूंगा शक्ति सिंह। Thank you.
ये तो मेरा कृष्णा है, मेरा भाई कृष्णा। ये क्या कह रहे हो शक्ति से? कृष्णा, ये निशान मैंने ही बनाया था। देख कृष्णा, देख कृष्णा, देख कृष्णे, मेरे भी है। तो मुझसे मेले में बिछड़ गया था किसने, मैंने तुझे बहुत ढूंढा मेरे बाप। भैया ये मैंने क्या कर दिया भैया? भैया मुझे माफ कर दे भैया। कृष्णा मेरा भाई, मैं तो नसीब वाला हूं किसने, जो तेरे हाथों जान दे रहा हूं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा भैया, रोमत किसने, मुझे माँ के पास ले चल भाई, माँ के पास ले चल। माँ तू धन है, माँ तूने मुझे मेरे भाई से मिला दिया। माँ मैं तेरे चरणों में आ रहा हूं, माँ कृष्ण देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा, हाथों में कोई हो
अपनी लाश उठाए जले सांसों में जिता खेल है किस्मत का खुरे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा तुम लोगों ने मिलके मेरे सीने पे जो पत्थर कूटे हैं आज मैं उनका हिसाब चुकाने निकला हूं। मैं इस गांव को शमशान बना के रख दूंगा। अपने एक घाव भरने के लिए सैकड़ों सीने छली ना करो शक्ति सिंह। सिर्फ बातों से खून के रिश्ते नहीं बना करते कन्हैया। तुम जैसे आदमी से तो आदमी का ना होना बेहतर है। किसी के चाह लेने से मौत आ जाती हो तो शक्ति सिंह कभी का मर चुका होता बाबू। मेरी शराफत का बदला गोली से चुका है। जाना जा जाना ले जा मेरा प्यार तेरे का।